कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो एक वेबसाइट गो थ्रू कर रहे हैं जिसका नाम है spelline.design.com। ये स्पेलाइन जो है ये वेबसाइट आपको प्रोवाइड करती है 3D इफेक्ट, जिसके अंदर बहुत ही रियल टाइम इफेक्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ देखें, जिस तरह से मैं माउस को मूव कर रही हूँ, ये 3D इफेक्ट वैसे ही उसके हिसाब से वर्किंग कर रहा है। सिंपल, मज़ेदार बात ये कि इट्स फ्री है और आप इसको जो है वो फ्री में जो है वो ट्राई कर सकते हैं। सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप, अपनी ID से आप यहाँ पर लॉगिन कर लें। सो यू कैन राइट इट हियर योर नेम, वॉट आर द पर्पजिंग यू आर यूज, एजुकेशन, वॉट योर ऑक्यूपेशन, रैंडमली सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं आप? इंटरैक्टिव 3D, नेक्स्ट डन कर दीजिए एंड टेक योर प्लेटफॉर्म। ये आपके लिए अपना इंटरफेस क्रिएट करेगा और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा इंटरफेस है आपका। आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं इस इंटरफेस के ऊपर आप 3D आइकन, 3D वॉल पेपर्स डिज़ाइनिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इनकी लाइब्रेरीज़ हैं, इनकी कम्युनिटीज़ हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट के अंदर डिज़ाइन करके सीन्स क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग टूल है 3D डिज़ाइनिंग के लिए। देखें, कुछ भी डिज़ाइन करना है जस्ट क्लिक करें उस पर और उसको एडिट करें, डिज़ाइन करें, रीकलर करें। सो इट्स अ वेरी नाइस वेबसाइट, बहुत अच्छे लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो देन क्लिक ऑन द स्टार्ट और यहाँ पर अब देखें, आप जो भी आपके पास डायरेक्शंस हैं आप बहुत ही आसानी से इनको मूव कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरफेस है इसका और इट्स अ वेरी नाइस वे। और आपको इंक्रीज करने साइजेस, तो आपके पास 3D इफेक्ट्स हैं सारे, आप कहीं पर मूव करना है 3D इफेक्ट को, मटेरियल्स इम्प्लीमेंटेशन इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर्स, तो यहाँ पर ये हर चीज़ अवेलेबल है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उसका कलर वगैरह आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस टूल, सो यूज़ दिस वेबसाइट। कोई भी रियल इंटरफेस बनाना है सिंपल, आप उसको डिज़ाइन करें और इसको शेयर करें। और आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।